इत्तेफाक आप ये बताएं कि आपने तो इतना मल्टीपल इतनी वैरायटी आपने सामने आप अली से पढ़े भी हैं, तो आपने कभी ये सोचा कि ये काम जो है उसको छोड़ दिया जाए एक लम्हे के लिए? कभी इसको छोड़ने का सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। मोहब्बत है इस काम है ना, बस यही मैं कहती हूँ कि जिस काम से मोहब्बत ना हो, जिसमें दिल ना हो, वो नहीं करना चाहता, वो ना करे। अच्छा, आपने भी ऐसे ही सोचा? बिल्कुल, आखिरी वक्त तक जो है ना मैं मजबूर हो जाऊँ वो अलग बात है, वरना मैं इसमें अल्लाह ताला कभी आपको मजबूर ना करे। तो आप भी अली की तरह अपने बच्चों को यही कहेंगे कि जिस काम में इज्जत है अल्लाह के पास, ठीक है ना, और अल्लाह ताला को अपने हाथ की मेहनत से जो आदमी कमाता है वो बहुत पसंद है। देखिए हजरत अली करमुल्ला वजह जो है, जिनके पास पूरी दुनिया का कायनात का इल्म था सारा, आप एक यहूदी के बाग में माली का काम करते थे। हम अपने बच्चे को ग्रेजुएशन क्या मैट्रिक भी करा के कहेंगे तू जाके माली बन जा? हाँ, आजकल ना तो नौजवान नसल का तो हिसाब ही कोई दूसरा ही है। मैंने तो देखा उनके हाथ में मोबाइल दे दो, हाँ, वो टिकटॉक और फलाना और पता नहीं क्या क्या चीज़ों में पढ़े हैं। इनको इनको शौक ही नहीं आगे बढ़ने का। आप समझ रहे हैं टेक्नोलॉजी आई है, ये हम मिस यूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो बर्बादी का सबब बन रही है। हाँ, बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। ये बताएं COVID-19 में जो ये इतना तमाशा लगा है, ठीक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा तमाशा चारों सूबों में हुकूमत सिंध में लगा, ठीक है, वो 1200-1300 अरब डॉलर जो आए वो कहाँ कहाँ बढ़े, किस किस को गए, क्या अवाम को उसमें से कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, अवाम को तो पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कब आए, कहाँ गए। अच्छा, हम समझ रहे थे ये बातें सिर्फ हमें ही पता है, इसका मतलब पूरे मुल्क को मालूम है, लेकिन लोग कह रहे हैं हम कर कुछ नहीं सकते। अब इतनी तो आ गई है लोगों को, मीडिया को देखते हैं और व्हाट्सएप पे तो अब इतने चैनल आ गए हैं, वो एक एक बात को नुमाया करते हैं बाकायदा। अच्छा, चाहे वो वफाकी हुकूमत के मसले हों या सूबाई हुकूमत के मसले। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो हमारा मीडिया है वो जैसे आम लोग कहते हैं वो एक बिकाऊ मीडिया है, वो भी पार्टीजन हुआ है? अब अगर जैसे इमरान खान की हुकूमत है, ठीक है, तो ऑपोजिशन कुछ लोगों को पेमेंट भी करती है कि तुम जितना गंदा इस हुकूमत को कर सकते हो, यानी इसकी अच्छी चीज़ें भी जो है ना, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इन साहब से लोगों ने ज़्यादा उम्मीदें बांधी इमरान खान साहब से। तो तकलीफें कहाँ होती हैं जहाँ मैं आपसे ज़्यादा उम्मीदें बांधूँ, जहाँ दिल दुख है, सबके दिल दुखे। मैंने कल अभी एक प्रोग्राम किया है आपकी नज़र से पता नहीं गुजरा है, उस पर इतने कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मैं चूँकि बड़े उन पर हाथ पड़ा था कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे ये बताइए कि खान साहब जो हैं उन्होंने ये उम्मीदें तोड़ते वक्त लोगों की एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा है कि उन्होंने कहा क्या था कंटेनर पे चढ़ के, जो वो कहा करते थे वो सब कुछ ख्वाब हो गया, बिल्कुल ऐसे लगता है हमने ख्वाब देखा था। और रट उन्होंने एक प्रोपेगेंडा टीम रखी ली है अपनी सोशल मीडिया पर, जो ये गाती बजाती रहती है, घबराना भी नहीं है। दूसरा ये ईमानदार है, ये कहाँ की ईमानदारी है कि आपकी टीम के आपके पास आ रहे हैं चीज़ें, आपको मालूम है आपके पास शुगर माफिया, आपके पास हर किस्म के बेहुदा लोग हैं जो आपको गलत खबरें देते हैं, कहते हैं स्पोर्ट्स बढ़ गई हैं, नहीं बढ़ी होती। तो आप मालूम होने के बावजूद आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, आप ये भी नहीं कह सकते कि जी आप यहाँ के किसी मदरसे के पढ़े हुए थे, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आए थे, तो आपको तो ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए थी, ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आता। आपको भी ऐसा लगता है, सिर्फ हम ही अपने आप को समझते हैं हम बड़े? नहीं, बिल्कुल ग्राउंड पे ऊपर अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं रियलिटी तो यही है, हकीकत के आम आदमी बहुत परेशान है ना बहुत। अब मैं एक दूसरे बात की तरफ आती हूँ जिसपे सबसे ज़्यादा कमेंट आए, चूँकि तकलीफ उसी की हुई है, कहते हैं बदुआ हाथ करो। मैंने कहा था अब इज्तमाही दुआ नहीं, इज्तमाही बदुआ का वक्त आ गया है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जी अल्लाह ने मना किया, तो मैंने उनको अपने कुरान की सूरतों के अंबिया की बदुआएँ बताई, हज़रत नूह की, हज़रत याकूब की, हज़रत यूनुस की, हज़रत सालेह की, जिन जिन की उम्मत ने उनको झुठलाया और उनके साथ ताबुन नहीं किया, अल्लाह ने उनकी बदुआ सुनी। बदुआ भी मेरे को समझ आती है, खुद हमारी किताब में, हमारे कुरान पाक में जो आखिरी किताब है उसमें आपने कहा उम्मे जलील को अबू लहब की बीवी के लिए इस्तेदा करें कि इसके हाथ किए हैं, कि अल्लाह मियाँ कह रहे हैं जो दुआ और बदुआ दोनों का सुनने वाला कादिर है, उसको क्यों ज़रूरत पेश आई अल्लाह को ये कहने की, वो सुनत कायम करनी थी ना अपने रसूल के ज़रिए कि दुआ भी करो वो भी मैं मैरिट पर सुनूँगा, बदुआ भी करो आहें भी सुनो वो मैं मैरिट पर सुनूँगा। आप इससे इतफाक़ करते हैं?
निकलती है ना, बेटा बीमार है, बच्चा बीमार है, बिल्कुल पता चला डॉक्टरों ने दवा चाहिए लिए। हुकूमत के लिए जो है ना मेरी राय थोड़ी सी चेंज है, बताइए वो ये है कि अभी इनका ये तीसरा साल है और इनका पांचवा साल बाकी है, हमें बदुआ पांचवें साल में जाके देनी है। नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ा, पाकिस्तान और इसकी कौम को भी अल्लाह ने बड़ा दिल दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ इतना बर्दाश्त किया है ना, मेरा ख्याल पांचवें साल में जाके ये काम होना चाहिए, इससे पहले अभी मेरे। हाँ, और जहाँ तक हिकमत की बात रही तो जिसमें जितना सबर है वो पहले दिन से भी लोग बद्दुआ दे रहे हैं। सबर का भी तो इम्तिहान यही है ना, लेकिन उनका क्या करेंगे जो सफेद पोश हैं, जो ना चीपा के दस्तरखान पे बैठ सकते हैं ना आपकी किसी पनागाह में। इमरान खान की बनाई हुई एहसास प्रणायम और ये जो पनागाहे हैं इसमें आप अपने बच्चों को नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, आपकी सफेद पोश है, सफेद पोश मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मर जाएंगे, जाएंगे हम जाके भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन इन्होंने लोगों को भकारी बनाना शुरू कर दिया है, ये तो गलत तरीका है, ये तो अच्छे खासे इंसान को भी हट्टे कट्टे को भी वही लोग फायदा उठा रहे हैं, बैठे हुए नशे कर रहे हैं, नशे ही कर रहे हैं, बैठे हुए दस्तरखान पे फ्री खाना मिल गया, काम करने की जरूरत नहीं है उनको। आदमी को आजकल परेशानी क्या है, सिर्फ किचन की तो परेशानी, एग्जैक्टली, और फूड आपने हल कर दी। हाँ वो फूड तो आपने हजारों लोगों के लिए, लेकिन ये वोटर नहीं है, नहीं ये वोटर नहीं है, ये इमरान खान साहब के ये वोटर नहीं है, ये तो पैसा जाया हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है, क्या हमारा हो रहा है टैक्स पे, वो जो कुछ भी है बजाय वो देखे आवाम पे ही आती है बात। आप चाय की पत्ती खरीदने जाते हैं, बिल्कुल सामान लेके जाते हैं, सेल्स टैक्स प्लस टैक्स लगा होता है, आपके टैक्स के पैसे से हो क्या रहा है। हुकूमत अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करती है, नहीं इस तरह नंबर नहीं बढ़ते, आप भत्तानियों में इजाफा कर रही है, क्राइम जाहिर बात है पेट भरा होगा तो उनका तो कुछ और ही सूझेगा, सूझेगा ना। हाँ उनको काय की फिक्र है, खाने की फिक्र, सबसे ज्यादा पेट भरे हुए तो उन्होंने कतल जो एक मिसाल कायम की थी बच्ची का, इतना मैं उस बच्ची की उसके वालदैन की उस एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रही जिसकी वजह से क्राइम जो है भरे पेट पे ज्यादा होते हैं। भरे पेट पे, फिर वो डार्क वेबसाइट आई उस पर हम बात कर रहे हैं, जो चाइल्ड मिसिंग ने बताया बच्चों का कतल, बच्चों के साथ अब्यूजिव उनको करना, तो ये कतल लाइव दिखाया गया हिंदू कतल का, अमेरिका में लाइव कतल दिखाया गया, इसका मतलब पहले से प्लान था और इसके पैसे मिले हैं, ये अरबपति लोग हैं इस मुल्क के, अरबपति लोग हैं, बुराई ऊपर से आती है नीचे से नहीं। हाँ बिल्कुल, तो गरीब और अमीर का तो अब हम छेड़ते ही नहीं फसाना, हम तो अपनी बात करते हैं सुबह देशों की, हम क्या करें, हम तो इस वक्त मुश्किल में बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो आप और मैं तो खामोश हो जाएंगे, लेकिन इसी के दिल से अहमियत तो निकलती है। हाँ वो तो आज को हिला देगी, आज को हिला देगी, ऐसा हिलाएगी कि ये कोरोना उसी का आजाद है। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना से तो लोग पैसे भी बना रहे हैं, ये तो एक खौफ का कारोबार शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात आपने की, क्या खौफ का कारोबार, डरा डरा के चीजें आप खरीद, और हमारी किताब में क्या है, हमारी किताब में क्या है, हमारी किताब में इलाका कुरैशी, हम तुम्हें खौफ से और भूख से आजमाएंगे, तो हमारी आजमाइश तो शुरू हो चुकी है। अल्लाह इसको हमें कायम रखे कि इस पर हम पूरे उतरें, मगर बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है जी। अशफाक आपसे इंशाल्लाह फिर किस्मत, चूँकि वहाँ के कारखाने में आती थी आपसे लगता पे बात होती थी, तभी तो मैंने जाना ये कौन लोग हैं और ये काम ये कर रहे हैं, तो इनके पीछे एक तो इनकी माँ की तरबियत है, इनकी तालीम है, कुछ पता चला सब तालीम याफ्ते हैं, हमें ये इस हुनर को इख्तियार करने में फ़ख्र महसूस हो, बिल्कुल ठीक है ना। इंशाल्लाह आपसे बात होगी फिर किसी का, ठीक है ना। आप यहाँ पर कोई 20 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह तकरीबन 20 साल। मैं बड़ी हैरान होती थी, मैं देखती थी अजान होती थी, सबसे पहले राही भागता था नमाज के लिए, ठीक है ना। तो इस वक्त तुम्हारे घर की तरबियत बहुत अच्छी है कि अल्लाह के फ़राइज़ जो है जितनी है उनकी अदायगी में कभी कोताही नहीं करनी है। प्लस तुम ये बताओ कि तुम्हें इस काम पर कोई शर्म तो नहीं, नहीं फ़ख्र होता है ना कि मैं इसके हलाल कमा रहा हूँ और इतना अच्छा काम करते हो माशाल्लाह। तो यही पूछना था कि इस काम की तुमने कभी ये सोचा कि मैं भी अपने घर पे एक टेबल लगा लूँ, मैं ज़्यादा कमाने लगूँगा, कभी नहीं किया तुमने ऐसा, ठीक है ना। इसलिए तुम्हारे अंदर हवस नहीं है, मैं ज़्यादा कमाऊँ, हमारे माशरे में ज़्यादा कमाने की हवस बढ़ रही है, ये भी तुम्हारी माँ की तरबियत है। हमारा जो चैनल है ना उसका एक सब्जेक्ट माँ है कि माँ कितना बड़ा रोल अदा कर रही है माशरे में। तो बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके राही,
एक बात और बता दो कि तुम्हारी तारीख तुमने मैट्रिक किया ना माशाल्लाह, तुम्हें कभी अफसोस हुआ कि अरे मैं मैट्रिक मैंने तो किया है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो इस मुल्क में जहाँ लिटरेसी रेट इतना पैथेटिक है कि 80% लोग वो हैं जो सिर्फ अंगूठा लगाते हैं, ठीक है ना, यानी वो लिखना पढ़ना ही नहीं जानते, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है तुमने मैट्रिक किया। मैंने काम भी अपना साथ 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 जारी रखा है उसी में तालीम के साथ साथ, तो तुम समझते हो कि तालीम जो है काम के आड़े नहीं आती है और तालीम तुम्हें बेहतर चीज़ें करना सिखाती है, किरदार साथी सिखाती है ना, और क्या फ़ायदे है तालीम आदमी आपको अच्छे बुरे तमीज़ आ अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाती बहुत अच्छी बात है, वो तो नज़र आ रहा है तुम्हारे काम से नज़र आ रहा है, तुम हमारे सियासतदानों हमारे वो वजीर आजम की तरह नहीं हो कि कौल कुछ है और है और काम कुछ और हो रहा है, जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारे किरदार और कंडक्ट से नज़र आ रहा है, ठीक है राहिल, बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके, ऐसी तरह इसी तरह लगे रहो और इंशाल्लाह अल्लाह की नज़र में जो तुम्हारा मकाम है ना वो उनका नहीं है जो भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं और जो धोखे दही का कारोबार कर रहे हैं, तुम उनसे अलग, जब अल्लाह के पास हम जाएंगे तो तुम अलग लाइन में खड़े, यकीन है इस बात का, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली, अभी आपसे जब हम दाखिल हुए हैं, फिर आप टेबल पे खड़े थे, आप वही वाले अली, तो ये आप कपड़े बदल के नमाज पढ़ने गए थे, आपका तो यही तब्दील हुआ था। अच्छा अभी हम राहिल से बात कर रहे थे, तो मैं देखती थी जब यहाँ आती थी कि जब जैसी अजान होती है आप तो फ़ौरन काम रोक थे और राहिल सबसे पहले भागता है मस्जिद की तरफ, तो जब घर और काम की जगह का माहौल एक जैसा होता है तो वो माहौल आपको मजबूर करता है कि आप उसी रास्ते पे चलें जहाँ आपके पड़े चले, आपके पड़ों में कोई वालदा है कोई वालिद है, राहिल आता है घर में भी देख कर आता है, यहाँ आके देखता है आप लोग नमाज के वक्त फ़ौरन निकल जाते हैं, आप समझते माहौल का असर होता है, होता है तो आपको तो फुर्सत नहीं मिलती घर से बाहर निकल गई, बच्चे बाहर जा रहे हैं ऐसे माहौल में बना के बच्चों में बड़े हो रहे हैं, कोई बात है आप कैसे नहीं बोलिए अभी इसी माहौल में बड़े हैं, अच्छा इसी माहौल में पले बड़े बच्चे भी आप भी इसी में बड़े पले बड़े, अगर घर का माहौल थोड़ा सा आपको ख़राब भी कर रहा हो कौन नजर बाहर का माहौल, अगर सॉरी बाहर का माहौल अगर ख़राब कर रहा हो सही है तो बाहर अच्छा, बाहर कोई बच्चे इसी कालम गलोच कर रहे हैं उसी सड़क पर निकलते हैं ना, तो आप कभी जब छोटे होते थे बाहर निकलते थे उन्हें सब जा के सुख नहीं करते, आपके बच्चे भी यही करते अब तो आपको बिल्कुल तो खौफ आता है कि अगर किसी ने आके शिकायत भी कर दी भाई तुमने तो कभी सुनी नहीं थी तुम्हारे बच्चे गाली देते बाहर, अब एक ऐसा मीडिया भी वेब टीवी आ गया है शायद आपने सुना हो इसके बारे में, नेटफ्लिक्स एक तिरुदा चीज़ हमारे यहाँ शुरू हुई है जो बाहर की ऐप है लेकिन इंडियन उस पर मटीरियल जो है सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा है, उसमें इतनी हदीस गालियाँ आप देते हैं, अभी एक चैनल पकड़ा गया जो उन्होंने फौजियों का आशर नशर किया था जब पाकिस्तान फौज का तब फौजियों को पकड़ लिया, लेकिन जब मॉरली वो गंदगियाँ कर रहा था वो चैनल अभी भी कर रहा है उस वक्त किसी ने उनको नहीं रोका, तो आप समझते हैं कि हमारे इदारे हैं पैमरा है हुकूमत है फौज है पुलिस है इनको इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। अच्छा असर लेते हैं ना बुरी बात कर लेते हैं आप, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि जो पहले कॉर्पोरेट टीवी के बाद जो प्राइवेट सेक्टर में टीवी खुला उनके कंटेंट पर ज़रूर फर्क था, लेकिन अब जो एक नई नॉर्म हम रह रहे हैं खासतौर पर ड्रामा जो है आपसे तो मैं चूँकि हर तरह की बात कर सकती हूँ ना, आपसे जब भी हम होते हर चीज़ डिस्कस करते थे याद है ना, तो मुझे ये बताइए अली कि जो ड्रामा है वो बहुत काम करता है, खवातीन बच्चे सब बैठ कर देखते हैं साथ पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देखा करती थी, अब जो ड्रामा हो रहा है वो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं नहीं चलता। अच्छा लेकिन टीवी पर बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन घर की खवातीन को देखते हैं
और के घर के काम काज से उनको फुर्सत नहीं होगी। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह पूरे लोग घर के काम करें, अल्लाह सबको सलामत रखे। कितने लोग, बच्चे, भाई के बच्चे, अम्मी, अब्बा, बेगमात सब मिलाकर कितने लोग? 22-25 लोग। तो अभी भी आपका मतलब है हमारे माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम कई जगहों पर राइज कर रहा है, कुछ जगहों में तो मजबूरी से कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो अलग हो सकते हैं, जैसे मेरे एक कज़न है, ये नेशनल टाइल्स जिनका है, उनको भी मैंने लिया है अपने प्रोग्राम में, ये बताने के लिए कि उनके घर में 27 लोग हैं माशाल्लाह, उनकी बहुएँ, बेटियाँ, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे, अब इतना वक्त गुजर गया है, तो जो हमारी हालत हुई थी वालदा, ये उनका कमाल था, जिस तरह मैं कहती हूँ आपकी माँ का कमाल है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को सबको जोड़ के रखा हुआ है। वो इतने अमीर लोग हैं कि वो चाहें तो हर बच्चे के लिए अलग घर बना के दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उम्मन हमारे यहाँ अब ऐसा नहीं है, तो इसका जिम्मेदार मर्द है या औरत है आने वाली जो बाहर से आती है, कहती हूँ तुम अलग हो जाओ। मर्द स्ट्रॉन्ग हो, घर का सरबरा तो मर्द ही होगा, सरबरा चाहे नौकर हैं आप नहीं रखते, उनका भी यही कमाल है, नौकर रखते हैं बाहर के काम के लिए, बावर्ची खाने में औरतें जाएंगी, ठीक है। ये वो पुरानी वैल्यूज हैं जो नवाब, महाराजा, राजा जो होते थे उनके यहाँ भी हर वक्त नौकरों की रेल फेल होती थी, लेकिन उनकी बेगमात जो है ना, ये जो आपने मुगलाई खाने सीखे हैं, फिर भी बन गई है और पुलाव बन रहा है, ये औरतें कौन बनाती हैं, पता है ना आपको, फिल्मों में दिखाया तो हमें भी पता चल रहा था, हमें हम समझते थे ये लोग काम ही नहीं करती व्यक्ति और, लेकिन आज एक फ्लैट में 120 गज के घर में, 80 गज के घर में भी 3 बच्चे और 2 मियाँ बीवी हैं, तो वहाँ 2 नौकरानी भी लगती हैं, मासियाँ लगी हुई हैं, ये क्या है? आप लोग तो अफोर्ड कर सकते थे, तीनों भाई मिलाकर पैसे करके नौकर रख सकते थे कि नहीं रखते? बाहर का खाना बच्चों ने सीखा है, हम तो खुद बहुत तंग हैं, क्योंकि इधर हम खाना बनवा कर रखे हैं, सब कुछ करें, उधर बैल होती है गेट पर, जाके देखो कौन है जी, वो मैं नाम नहीं लूँगी, उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी कम वक्तों की, वो फलाना वाला सेंटर वाला है बिरयानी वाला, फलाना फूड वाला है, फलाने का है, कि बड़ी बड़ी बाहर की चेन्स आएंगी वो लेकर खड़ा हुआ है। अब मसला ये कि आप बच्चों को आज के दौर में मार भी नहीं सकते, पहले तो 2 थप्पड़ पड़ जाते थे, अब थप्पड़ मारना जो है बात तो होती है, कानून बना दिया माशाल्लाह कि अगर बच्चों को कोई माँ थप्पड़ मारे और डांटे बाप, तो फौरन पुलिस स्टेशन में जाके माँ बाप की शिकायत कर दे। इस कानून के बारे में क्या? अंग्रेजों ने भी अभी अप्लाई किया पिछले 4-5 डिकेड में, अच्छा तो मास्टर बिगड़ नहीं है, फिर आगे जाएंगे। आप समझते हैं कि हमारी जो बड़ी इलीट क्लास है वो उनका ये हो चुका है, लेकिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, इनमें अभी ये नहीं पहुंचा, मेरे हिसाब से तो पहुंच चुका है। छोटे छोटे अपार्टमेंट में भी लोग जो हैं, दो मासियाँ लगी हुई हैं भाई, एक बर्तन धोने आती है, एक सफाई करने आती है, एक खाना पकाने आती है, तो इसको कहते हैं बिल्कुल आराम तलबी की आदत हो गई है। तभी सराय की बेल्ट आकर पूरा आप देखिए कराची में सारी मासियाँ, ठीक है ना, वो सराय की बेल्ट से आ रही हैं, इसलिए कि हमारे कराची के जो लोग थे उन्होंने इसको अपनी हद तक समझा कि वो कुछ छोटा काम करें, ठीक है ना। आपको किसी घर में बहुत कोई इक्का दुक्का उर्दू बोलने वाले से मजबूरी कहते हैं, मजबूरी कहते हैं, काम नहीं करते, लेकिन वो किसी काम में जो है वो बुराई नहीं समझते, क्योंकि भूख इतनी बढ़ गई थी वहाँ, तो अब वो अपने मुँह मांगे तनख्वाहें वसूलती हैं, बेहतरीन खाना मिलता है, यहाँ पे पंजाब में तो ऐसा नहीं होता,
दो अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, नौकरानी को इस तरीके से जला दिया, तशद्दुद करके मारा, और तनख्वाह है 3,000 से भी कम, ठीक है। हाँ, छोड़ के चले जाते हैं, हाँ 40-50,000 रुपये पकड़ा है साल भर के, और वो बचा कुचा खाना। यहाँ एक केस नहीं है कराची और सिंध का, एक केस किसी कोर्ट में नहीं है जहाँ किसी नौकर पर, किसी नौकरानी पर तशद्दुद हुआ, ठीक है। तनख्वाहें कितनी है, मिनिमम 10,000 अगर वो आपके 3-4 काम करके जाते हैं, और अगर 24 घंटे के लिए है तो 25,000 से 35,000 उसकी तनख्वाह है, जो उसका पॉकेट मनी है, जो उसको बेस्ट फूड मिल जाए, ठीक है, उससे वो ख़राब होने चली जाती है। उस पर भी हमने एक अलग प्रोग्राम किया कि उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और नौकरानियाँ जो बेगमात को हरकतें करते हुए देखती हैं ना, उसी पर चल रही है। आपने नोच किया कि वॉच किया, तो कभी वॉच नहीं किया, आप कीजिएगा कभी हमारे इलाके में आइए, और गुलशन इकबाल भी जाइए जो मिडिल क्लास का इलाका कहलाता है, नाजमाबाद जाइए जो पढ़े लिखे लोगों के इलाके कहलाते हैं, ठीक है, वहाँ जाके देखिए ये सराय की बेड की जो आती है मुलाजमाएँ काम करने, उनकी गुफ्तगू हम आपको सुनवाएंगे अपने प्रोग्राम में, कि वो इन बाजियों और बेगमात के बारे में क्या राय, तो आपको हैरानी होगी सब, और आप फख्र करेंगे अपनी फैमिली में, तो आप अपनी राय जरूर। कुछ सवाल तो मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, बच्चे आपके माशाल्लाह यहाँ खड़े हुए, मैंने पूछ लिया था कि आपको कोई इतराज़ नहीं होगा, तो क्या आप इन्हें ये कहेंगे कि ये काम करो, इनसे पूछे ये बताओ ये काम कैसा लगता है, जो अखबार को चाचा को सबको करते हुए प्रकाश पाठ चाचा अच्छा लगता है, और दिल चाहता है कि आप भी सीखें इसको, और तालीम उसका उसके लिए रुकावट नहीं करनी, तालीम जितनी हासिल करनी है बेशक करो, लेकिन ये काम जो है इसमें ज़्यादा पैसे नहीं पता ही बढ़ती है, ठीक है ना। अच्छा तुम में से कौन तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो, अच्छा अगर नहीं बन सके डॉक्टर को अफसोस तो नहीं होगा ना कि कोई बात नहीं, ये डॉक्टर ने भी बड़ी उधम मचाई हुई है, जब अब्बा लेके जाते हैं तो उन्हें बुखार हो जाता है तो पहले ही 500 रुपये तो उसकी फीस रखवा दो, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है तो उसकी तो फीस 3,000 रुपये चल रही है, लाइन सुबह से रात तक लोग बैठे रहते हैं, आई स्पेशलिस्ट बनाना स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, तो तुम्हें मामूली बुखार होता है नज़ला तक तो कहाँ लेके जाते हैं, सामने क्लिनिक फैमिली डॉक्टर बैठता है, क्लिनिक है ना, अच्छा तो दो तीन दिन में ठीक हो जाते हो, उनसे भी ठीक हो जाते हो, तो उनसे बोल बेटा तू तो माशाल्लाह आगे आ गए, आज ही ठीक हो गए, तब तुम्हें खराब हो माशाल्लाह। तो अब मरीजों पर और डॉक्टरों पर एक दूसरे पर एतमाद जो है वो तो ख़राब नहीं हुआ ना, तुम्हें एतमाद है तुम्हारे अब्बा को सामने वाले डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है ना, मोहल्ले के डॉक्टर के पास डिस्पेंसरी में तुम भी डॉक्टर किसी बड़े डॉक्टर के पास तो नहीं दौड़े ना कभी अब्बा ले, हाँ तो डेंगू तो एक वायरल आया था जैसे ये करोना आया है इसी तरह डेंगू भी था, ठीक है ना, इस तरह इन्फ्लुएंजा आता है, इसी तरह और बीमारियाँ वबाई बीमारियाँ आती हैं, तो बड़े डॉक्टर को एक दफ़ा दिखाना पड़ता है, मुझे बताओ चाचा कर रहे हैं ना क्यूरिंग का काम, वो क्या है बताओ, कपड़े प्रेस करते इसको नहीं करते, उसको क्यूरिंग करते नहीं, मेरा खाले जो प्रिंट होता है उस पर आप बताइए जी क्यूरिंग क्या है, उसके कलर मैं समझ गई, जैसे आपने ये बनाया है मेरी ब्लॉक प्रिंट में हूँ तो मुझे इसका तजुर्बा हो गया, जैसे स्टीम प्रिंट होता है जिसमें डिस्चार्ज प्रिंट कहते हैं, वो इसलिए ही है ना उसका प्रोसेस कि वो रंग पक्के हो जाते हैं उसमें, स्टीम पक्के हो जाते हैं, इसके अंदर क्या है कि हीट से पक्की जो कलर जो ट्रीटमेंट होता है ना उसको हीट लगे ना पक्का हो जाता है, उसके लिए क्यूरिंग मशीनें आ गई हैं, वो देगा तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको तालीम में बहुत आगे लेकर जाए, और अगर कोई अच्छा काम करता है अच्छे से मुराद ये नहीं है कि पैसे कमाना है, अगर लोगों की खिदमत करने से मुताबिक ये काम है, अगर वो प्यार करता है और अगर ये कहता है नहीं मिली तो फिर मैं चाचा के साथ क्यूरिंग से, है ना, तुम्हें स्क्रीन का शौक है, अच्छा हैवी स्क्रीन तो हैंड प्रिंट है ना सारा, बच्चे के उसमें बड़ा वो बनता है साँचा स्क्रीन बनती है ना पूरी,
हाँ वो रोलर चलता है, हाँ रोलर से प्रेस करते हैं उसको, यानी हैंड प्रिंट है सारा, ये तो मैं समझ आ गया, सब हाथ का काम है इसमें, मशीनिंग नहीं, टेक्सटाइल प्रिंटिंग नहीं। अच्छा 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 कि सबको भी अभी बनती है, ये अशफाक की बेटी है, क्या नाम है? फनान। अफनान, वाह वाह, नाम का मतलब पता है। हमारे अशफाक चाचा के कान खेलने पड़ेंगे, हमारी हकीकत में नामों के मतलब भी नहीं पता है। जोर से बोलो, जोर से रहमत और शफकत लाने वाला हमारा मोहम्मद बुरहान, अल्लाह की बुरहान, क्या है इसका मतलब, क्या है अल्लाह की दलील। बहुत अच्छा, बच्चों को तुमने प्रेम किया है अली, अल्लाह ताला इन सबके सरों पर, तुम सब भाइयों को अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे, उनकी माओं को, और सबसे ज़्यादा इनकी दादी तुम्हारी माँ, बुज़ुर्गों से जो घर में बरकत होती है। अच्छा चलते फिरते दादी भी को लगा देते, आप नहीं जब चलती फिरती थी, अच्छा खुद ही चले जाते माशाल्लाह, मज़ा आता है दादी की खिदमत करने में, पैर दबाने में। अभी बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह तुम लोगों से सेशन रहेंगे हमारे, तो दुआ करो सबके लिए कि सबका कारोबार चल पड़े, और अल्लाह ताला सबकी सफेद खुशी का भरम रखे। जो बड़ा मुश्किल हो गया, अभी मैंने अखलाक से पूछा, तुमसे भी पूछा, हमने कल एक प्रोग्राम किया है इज्तमाही बदुआ के बारे में, ना करें इज्तमाही, लेकिन लोगों की दिमाग से आँख निकल गई है ना, जो जब वो बाज़ार जाते हैं, बच्चे का दिल चाहता है कि वो फल खाए, जितने फल पहले ले आते थे घर में, जितनी अच्छी सब्ज़ी आती थी, जितनी अच्छी ग्रोसरी आती थी, हर एक बाप का दिल मचलता है माँ का, फिर वो भी बच्चों के लिए चीज़ें खरीदती है, लेकिन अगर नहीं खरीद पाता तो उसके दिल कहा तो निकलेगी ना, और पूरा यकीन है कि लगेगी अगर मेरिट पर होगी। बस बहुत बहुत शुक्रिया जी, और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात करेंगे आइंदा।